हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं MEMA 208, इसमें हम फर्स्ट लॉ के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम पढ़ेंगे उस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले आज हम देखते हैं नॉन फ्लो प्रोसेसेस। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉन फ्लो प्रोसेस होते क्या हैं। बेसिकली क्लोज सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं, क्लोज सिस्टम जिस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं उसे हम नॉन फ्लो प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि सिस्टम की बाउंड्री के आर पार सराउंडिंग के साथ में एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है हीट और वर्क के फॉर्म में, लेकिन किसी प्रकार से मास फ्लो नहीं होता है, है ना। मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहती है, मास जो है सिस्टम के बाहर जो है आर पार ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये 5 तरह के प्रोसेस होते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस क्लोज सिस्टम के लिए। तो जिसमें जो पहला जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें इसको हमने एक फिजिकली एक सेटअप से जैसे कि समझा है, मान लो कि कोई एक सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, पिस्टन जो है वो कोई प्रेशर लगा रहा है गैस के ऊपर, और गैस भी पिस्टन के ऊपर बराबर जो है वो दाब लगा रही है। मान लो हमने एक्सटर्नल किसी हीट सोर्स से हीट हम उस सिलेंडर को दे रहे हैं, जिससे कि उस गैस जो है उसको हमने हीट करा है, तो टेम्परेचर गैस का बढ़ेगा, लेकिन हमने जो है आयतन को समान रखा हुआ है इस तरह से कि पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर रहा है, अपनी जगह पर स्थिर है। तो अब इस पर कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, एक तो दाब बढ़ेगा गैस का, है ना। दाब जो है वो गैस जैसे जैसे उसको टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे से ही जो दाब है वो ज़्यादा लगाने लगेगी पिस्टन के ऊपर। तो हम ये प्रॉपर्टी रिलेशनशिप जो है वो कैसे शो करेंगे, मान लो कि जो गैस है वो आइडल गैस है, परफेक्ट गैस इक्वेशन को वो फॉलो कर रही है, तो ये जो इक्वेशन होगी रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ की होगी, पी जो है दाब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो अगर हम 1 से 2 और प्रोसेस देखें, है ना, 1 से 2 तक अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो ये रिलेशन इस प्रकार से होगा, P1/T1 = P2/T2, है ना। तो PV दाब और आयतन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, 1 पॉइंट इनिशियल स्टेट और 2 पॉइंट जो है फाइनल स्टेट है गैस, है ना। तो उसको टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, दाब भी इंक्रीज हुआ, लेकिन आयतन जो है वो समान रखा गया है। वो कैसे रखा गया, पिस्टन को स्टेशनरी करके, पिस्टन अपनी जगह से ये नहीं हिलेगा। तो अब हम कार्य जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले देखा था हमने नॉन फ्लो वर्क के लिए, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क जो होता है वो उसकी गणना हम करते हैं PdV के द्वारा। तो अगर हम PdV करेंगे तो यहाँ पर आयतन समान है, तो आयतन चेंज इन आयतन जो है वो 0 है, तो वर्क भी 0 होगा, है ना। तो मतलब कि गैस जो है उस पर उसको कोई कार्य नहीं कर रही है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम जैसे जानते हैं MCV dT, हम फॉर्मूला देख चुके हैं, तो उससे ही आ जाएगा ये। यहाँ पे सी जो है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखेंगे, CV रखेंगे, हीट ट्रांसफ़र कितनी होगी वो हीट ट्रांसफ़र के लिए हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे। हीट ट्रांसफ़र का फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होता है कि वो बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो वर्क डन 0 है, तो हीट ट्रांसफ़र कितनी होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं MCV dT। इस तरह से चेंज इन एंथैल्पी वो होती है CP dT, ये हम ये जानते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी बराबर MCP dT। अब चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है वो हम अगले वाले लेक्चर में जब हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे उसमें हम आपको समझाएंगे। एंट्रोपी एक तरह से एक पॉइंट फंक्शन होती है, ये भी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम की, और इसको हम हीट ट्रांसफ़र अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर से शो करते हैं, है ना। चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं हम, कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई अपॉन टेम्परेचर। तो हम इस तरह से ये चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखेंगे, Δs बराबर MCV ln T2/T1, है ना, डिफरेंट इसको इंटीग्रेट करके T1 और T2 के बीच में अगर हम इसको इंटीग्रेट करें प्रोसेस में तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद में। अब सेकंड प्रोसेस हम देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसको हमने वैसे ही एक पिस्टन और सिलेंडर के माध्यम से समझा है,
उसका एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, पिस्टन जो है उस पर कोई दाब लग रहा है। अब पिस्टन जो है मूव कर सकता है, हमने एक्सटर्नल हीट सोर्स से हीट दी है गैस को, तो उससे उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, लेकिन दाब को मेंटेन करा गया है, एक निश्चित दाब ही पिस्टन के ऊपर पिस्टन के द्वारा गैस पर लगाया जा रहा है। तो इसमें पीवीटी रिलेशन क्या होगा, दाब तो कांस्टेंट है ना, आयतन, और आयतन बढ़ेगा गैस का और तापमान भी बढ़ेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं V1 upon T1 बराबर V2 by T2। ये रिलेशनशिप कहाँ से आया, पीवीटी रिलेशन से। मान लो कि जो गैस है वो आइडल गैस की तरह बिहेव कर रही है, और ये करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जो होती है, जो हमने पहले पढ़ी थी, PV upon T बराबर कांस्टेंट, इसको ये फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर अगर P अगर हम कांस्टेंट कर देंगे तो बचेगा रिलेशन क्या, V1 upon T1 बराबर V2 upon T2। अब वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, सेम नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए PdV के द्वारा, तो वर्क डन होगा 1 to 2 P ब्रैकेट में V2 by V2 minus V1 किलो जूल में, है ना। अभी हमने ये PV ग्राफ भी शो करा है, जो कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के दो हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है 1 to 2 तक। अभी PV ग्राफ में जो ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो शो करेगा वर्क डन को, ठीक है। फिर आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हम MCVTT से करेंगे कैलकुलेट। चेंज इन हीट के लिए फॉर्मूला होगा M, यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ लगाया, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पे ये दोनों फार्मूला रखने के बाद सॉल्यूशन आएगा Q बराबर MCPdT। फिर चेंज इन एंथैल्पी भी हम सेम वही फार्मूला लगाएं, MCPdT। चेंज इन एंट्रोपी जो हम फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है, वो हम T1 और T2 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा क्यू को अपॉन टी को। तो यहाँ पे जो है क्यू का फॉर्मूला MCPdT रखेंगे, वो कांस्टेंट है क्योंकि मास है ना, CP जो है स्पेसिफिक हीट वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको बाहर आ जाएगा ये, तो हमारे पास जो फाइनल एंट्रोपी का फॉर्मूला बचेगा वो होगा MCP ln। ln क्या है, बेसिकली लॉग बेस ई होता है, जैसे हम सभी मैथ्स में जान पढ़ चुके हैं, है ना, ब्रैकेट में T2 minus upon T1। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो थर्ड प्रोसेस होता है वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वही सिस्टम हमने अज्यूम करा है, एक तो सिलेंडर है और पिस्टन है, उसमें गैस भरी हुई है, एक्सटर्नल हीट सोर्स से हीट दी है, इस प्रकार से हीट दी है कि गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब गैस का टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट हो सकता है, हमने पिस्टन लगाया है, पीवीटी रिलेशन इस प्रकार से बनेगा, PV बराबर कांस्टेंट, मतलब P1 V1 अगर हम दोनों स्टेट लगाए 1 to 2 तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन बराबर PdV, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर 1 to 2 प्रोसेस, तो हमारे पास आएगा W बराबर P1 V1 ln V2 by V1। ये डेरिवेशन यहाँ पे दिखाई गई है, इंटीग्रेशन कराया सिंपल। फिर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बदल नहीं रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T1 बराबर T2 होगा, तो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होता है MCPdT। अब DT ही जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी जीरो, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहती है, मतलब इंटरनल एनर्जी में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता, वो भी कॉन्स्टेंट रहती है। फिर है हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र के लिए फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला लगाया हमने, W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तब इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है तो हीट ट्रांसफ़र कितनी, वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होगा, बराबर P1 V1 ln V2 by V1, है ना, और या फिर P1 V1 ln P1 by P2, है ना, दाब के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला और आयतन के फॉर्म में भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर है चेंज इन एंथैल्पी, अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी चेंज भी जीरो होगा, मतलब ये कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी है। फिर चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी के अंदर हम इंटीग्रेट करके फाइनल फॉर्मूला हमारे पास निकलेगा MR ln V2 by V1, यहाँ पर M मास है, R जो है वो करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ln क्या है, लॉग बेस E है, V2 by V1 ये क्या है, आयतन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब जो सिस्टम है पूरी तरह से इंसुलेटेड है, बाहर सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है।
तो इसका पीवीटी रिलेशन जो होता है वो होता है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम जानते हैं चेंज इन हीट बराबर ये फर्स्ट लॉ डी यू प्लस वर्क ट्रांसफ़र। तो रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए हम जानते हैं वर्क बराबर पी डी वी। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो रहा है तो फॉर्मूला आएगा, इक्वेशन आएगी डी यू प्लस पी डी वी बराबर ज़ीरो। वो परफेक्ट गैस इक्वेशन हमें पता ही है ये होती है। तो हम यहाँ से पी का मान रखेंगे एम आर टी अपॉन वी। इन वैल्यू को इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो हमारे पास जो है फाइनली हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम रिलेशन निकाल रहे हैं है ना अलग अलग। तो फाइनली हमारे पास जो पी वी का जो रिलेशन है वो उसको पूरी डेरिवेशन को सॉल्व करने पे बनेगा पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स है और इसकी वैल्यू जैसे कि हम देख चुके हैं सी पी अपॉन सी वी बराबर गामा भी होती है ना, जब हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा था तब हमने ये देखा था। तो इस प्रकार से हम जो है ये बाकी के और रिलेशंस भी निकाल सकते हैं, जैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। सेम इसी तरह से डराइव करके हम जो है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में भी है ना। तो मान लो हमें कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ ज्ञात हो तो हम कोई तीसरी प्रॉपर्टी भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर है वर्क डन, वर्क डन हम पी डी वी के द्वारा निकालेंगे डराइव करके। तो वर्क डन का फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद आएगा पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन है ना बराबर आर टी वन माइनस सी टू अपॉन गामा माइनस वन। फिर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एम सी वी डी टी से निकालते हैं। हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है। चेंज इन एंथैल्पी एम सी पी डी टी से निकालते हैं और चेंज इन एंट्रोपी क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक भी प्रोसेस भी कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र ही ज़ीरो होता है तो हमारे पास डेल्टा एस जो है वो भी ज़ीरो आएगा, मतलब एंट्रोपी में किसी प्रकार से भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर पांचवा प्रोसेस आता है जो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये जनरल प्रोसेस है, मतलब एक जनरल प्रोसेस है। अगर हमें पता नहीं पड़ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी बदल रही है या फिर चेंज हो रही है या समान है कॉन्स्टेंट है तो हम उस प्रोसेस को हम जनरल प्रोसेस में डालते हैं, उसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसका जो पी वी टी रिलेशन है पी वी एन बराबर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एन क्या है, ये है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है ना। तो इसको हम पी वी ग्राफ में इस प्रकार से शो करते हैं वन से टू प्रोसेस को, इसमें पी वी टी रिलेशंस जो है जैसे हमने एडियाबेटिक में निकाले थे सेम उसी प्रकार से निकालते हैं, बस गामा की जगह यहाँ पर एन आ जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, टेम्परेचर प्रेशर के बीच में रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशंस। फिर है वर्क डन, वर्क डन भी सेम वैसे ही जैसे हमने एडियाबेटिक में डराइव करा था उसी तरह से वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला निकालेंगे, हीट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। अब आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने जैसे बताया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है ना, अगर हमें नहीं पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं या समान हैं पूरे प्रोसेस में तो हम उसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जनरल प्रोसेस की कैटेगरी में डालते हैं। तो हम पी वी ग्राफ टी एस ग्राफ के द्वारा ये दिखाया गया है इसमें कि जनरल प्रोसेस एन जो है अगर वन से टू एन का मान अगर ज़ीरो हो जाता है तो ये आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा एन का मान अगर ज़ीरो रख दो तो, इस तरह से एन का मान अगर इनफाइनाइट रख दो तो ये आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहलाएगा। इस तरह एन का मान अगर गामा रख दो तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा और अगर एन का मान वन रख दो तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला एम सी पी डी टी और चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला ये रहेगा गामा माइनस एन अपॉन वन माइनस एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन।